सब्सक्राइब करें सिग्मा यूथ इंजीनियर्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारी लेटेस्ट इंजीनियरिंग वीडियोस सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि फेस ग्रूविंग का जो प्रोग्राम होता है सीएनसी टर्निंग मशीन के ऊपर वो हम किस तरीके से बनाते हैं और उसका जो प्रोग्राम कैसे रन करते हैं और कौन कौन सी चीज़ों की हमको सावधानी रखनी पड़ेगी इस प्रोग्राम में ताकि जो है हमारा फेस ग्रूविंग टूल जो है टूटे ना। तो यहाँ पर जो है मैं आपको सबसे पहले तो ड्राइंग दिखा देता हूँ कि जो है फेस ग्रूविंग का प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो आप जो है कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख लीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है ड्राइंग हमको बनानी है। ये वर्कपीस है, वर्कपीस का साइज़ दिया हुआ है 150 डाया, ठीक है, 150 डाया का जो है ये वर्कपीस है और इसमें जो है इसकी लेंथ जो है 100 mm है और इसमें जो है 30 mm का जो है ग्रूव बनाना है और इसकी जो थिकनेस है वो ग्रूव जो है 15 mm थिक रहेगा और 30 mm वाइड का जो है हमारा ग्रूव बनेगा। अब ये देख लीजिए, इसका जो है फ्रंट व्यू है और ये साइड व्यू है, दोनों को आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है डाया आपको दिया हुआ है, इंटरनल जो रहेगा ग्रूव का वो 50 डाया और एक्सटर्नल डायर जो रहेगा वो 110 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमको जो है ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि हमको फेस ग्रूविंग टूल जो यूज़ करना है वो 5 mm वाइड यूज़ करना है, ठीक है। 5 mm वाइड जब हम यूज़ करेंगे, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो टूल है 5 mm यहाँ पर विड्थ इसकी लेगा और 5 mm जो है आउटर एज पर जो है इसकी विड्थ लेगा, यानी कि 10 mm का जो है डिफरेंस रहेगा। तो आपको ध्यान रखना होगा कि हमारा जो टूल है वो 10 mm का डिफरेंस लेगा, ठीक है। चलिए इसका जो है प्रोग्राम हम सिमुलेटर पे रन करके देखते हैं। यहाँ पर जो है प्रोग्राम हमने बनाया, ये देखिए वर्कपीस का जो ड्राइंग है ये इस टाइप से बनेगी, ठीक है। और इसको हम जो है रन करके देखते हैं, फाइल ओपन। यहाँ पर जो है हमने फाइल जो है फेस ग्रूविंग प्रोग्राम की जो है ये फाइल हमने ओपन कर ली और वर्कपीस यहाँ पर जो है ले लेते हैं, साइज़ 150 लेंथ और डाया 150 और लेंथ जो है 100 mm की यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। इसका जो है व्यू में हम देखते हैं 2D व्यू, ये देखिए 2D व्यू है। अब इस पे जो है हमें सबसे पहले तो लेना पड़ेगा, टूल मैनेजमेंट में जाएंगे, टूल का सिलेक्शन करना है। टूल कौन सा लेंगे, देखिए यहाँ पर जो है फेस ग्रूविंग टूल जो है हम यहाँ पर ये लेंगे, ठीक है। शैंक की जो लेंथ रहेगी 200 और मेन जो है इंसर्ट की जो लेंथ लेनी है हमको, यहाँ पर जो है 50 mm जो है इंसर्ट की लेंथ लेंगे। इंसर्ट की विड्थ जो है 5 mm की लेनी है हमको, ये यहाँ पर हमको ध्यान रखना है, ठीक है, ये 5 mm हमको रखना है और ये इंसर्ट रहेगी और इंसर्ट का जो मटेरियल रहेगा सिरामिक्स की जो है हम इंसर्ट यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब जो है टूल को माउंट कर लिया, ओके कर दिया। अब जो है हमें सबसे पहले क्या करना है, रैपिड पोजीशन पर पहुंचाना है। तो सेंटर में अपने टूल को ले जाएंगे, ये हमारा टूल जो है सेंटर पे पहुंच गया, ये देख लीजिए। अब यहाँ पर जो है हमको ऑफसेट की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। ऑफसेट के लिए हमको सबसे पहले एक्स पे ले जाना है, एक्स 0 और मेज़र, उसके बाद जेड 0 एंड मेज़र, ठीक है। तो देखिए ऑफसेट हो गया हमारा, पोजीशन बटन को क्लिक कर दिया हमने और अब हम जो है रेफरेंस कर देते हैं, पहले जेड में करेंगे और उसके बाद देखिए एक्स में कर देते हैं। तो ये जो है हमारा रेफरेंस हो गया। अब क्या करना है, हमें सबसे पहले ऑटो मोड को सेलेक्ट करना है। ऑटो मोड सेलेक्ट कर लिया, अब हम जो है इसको 3D व्यू में जो है कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये 3D व्यू में हो गया, अब हम जो है इसका प्रोग्राम रन कर देते हैं। तो देखिए ये जो है ग्रूव किस टाइप से बन रहा है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। पहले जो है 110 डाया पे जा रहा है, उसके बाद देखिए छोटे छोटे जो है पैक बना के जो है ये डेप्थ में फेस ग्रूविंग कर रहा है। तो इस टाइप से जो है ग्रूविंग होगी, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको जब प्रोग्राम एक्सप्लेन करूँगा तब ये चीज़ आपको समझ में आएगी, ठीक है। ये देखिए ये जो है आपका प्रोग्राम कंप्लीट होने वाला है,
ये जो ग्रुप्स हैं इसने फेस ग्रुप के जो है इसने बना दिए हैं। देखिए 5-5 mm का जो है ये लेगा, टोटल जो है 6 इसमें जो है इसने लिए हैं और ये जो है ग्रुप इसने बना दिया है। ठीक है, देखिए फेस ग्रुप जो है यहाँ पर बन गया है। तो ये तो हो गया इसका फेस ग्रूविंग। अब हम जो है यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो है इसका प्रोग्राम है, प्रोग्राम हमने बनाया हुआ है G28U0W0T0101G97S600M04। यहाँ तक तो जो है कोई दिक्कत होगी नहीं। अब हमें जो है यहाँ देखना है G0X110Z2। ये जो पोजीशन है ये चीज़ आपको समझनी होगी। X110 मतलब है कि डाया जो है हमारा, जहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है हमारा डाया जो है, ये देखिए ये जोड़ा है डाया 110 है। तो पहले जो है हम अपने टूल को यहाँ पर लाएंगे, ठीक है, इस पोजीशन पर लाएंगे टूल को, और Z2 मतलब इसके फेस से 2 mm जो है बाहर रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए G74 जो है ये साइकिल हमने लगा दी है, फेस ग्रूविंग साइकिल है। R2 जो है रिट्रैक्शन प्लेन की जो डिस्टेंस है वो 2 mm है। ठीक है, उसके बाद देखिए X60 कहाँ तक लेके जाना है, जो डाया है हमारा X60 वहाँ तक जो है हमको लेना है। क्यों लेना है, इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए ये तो डाया तो हमारा 50 है, टूल का जो है 5 mm का टूल है हमारा। ठीक है, तो ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक्चुअल में क्या है कि जो है टूल आपका जब ऐसे आएगा, ठीक है, क्योंकि जब हम टूल के इस एज से जो है डायमेंशन कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी डाया जो है 110 mm जो है इस फेस से जो है कैलकुलेट होगा। ठीक है, और इसकी जो थिकनेस है 5 mm है, तो 5 mm इधर और 5 mm इधर, तो ये टोटल 10 mm का जो है डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पर जो हमको डाया लेना है वो X60 लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए X60 जो है यहाँ पर रखना है, डाया जो है हमारा X60 आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर हमने यहाँ पर मेंशन की है कि X60 ये रहेगा Z-15, क्योंकि Z की वैल्यू 15 इसलिए है क्योंकि ये जो है देखिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ये देखिए डेप्थ जो है यहाँ पर देखिए ये जो डेप्थ है इसकी ये 15 mm की है। ठीक है, तो इसलिए जो है Z की वैल्यू 15 है। यहाँ पर आपको दिख रहा है P, ये जो P वैल्यू है ये जो है आपकी X एक्सिस में जो है इंक्रीमेंट चलेगा। ठीक है, और ये क्यू जो है आपका जेड एक्सिस में इंक्रीमेंट चलेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है आप 5 mm भी दे सकते हो, यानी 5000 भी कर सकते हो, और ये क्यू है आपका 6000। ये 6000 का मतलब है 6 mm जो है एक्स में इंक्रीमेंट चलेगा। यहाँ पर जो फीड रेट रहेगा वो 0.1 का दिया है। ठीक है, उसके बाद G80 कैन साइकिल कैंसिल, Z50 यानी कि जो आपका टूल है वापस आ जाएगा, M05 स्टॉप हो गया, कूलेंट ऑफ, आपका टूल जो है होम पोजीशन पे पहुंच गया, और ये प्रोग्राम एंड एंड रीसेट। तो ये जो है आपका इस तरीके से जो है प्रोग्राम आपका बनेगा इसका। तो फेस ग्रूविंग में क्या है, मोस्टली आप देख सकते हैं ये आपको जो है यहाँ पर जो है आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप आउटर डाया लेते हैं तो जब आपका फेस जाएगा टूल का वो आपको ध्यान रखना है कि उस पर डाया क्या रहेगा। ठीक है, अगर आपने जो है आगे तक दे दिया, मतलब जो 50 डाया तक दे दिया, तो आपका जो टूल है वो अंदर चला जाएगा और साइज जो है थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो जो आपका ग्रूव है वो थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फेस ग्रूविंग का प्रोग्राम बहुत ही सिंपल है और G74 ग्रूविंग साइकिल से जो है हम इसको आसानी से बना सकते हैं। प्रोग्राम की साइकिल हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई है, तो ये जो प्रोग्राम है आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।